हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू वन एंड ओनली नेथन 21 द गेमिंग चैनल। यहाँ पे हम खेलते हैं अलग अलग गेम्स और मैं आज आपको थोड़ी सी डिफरेंट गेम दिखाने वाला हूँ। इसका नाम है मोनोपोली। आई एम श्योर कि आपने ये गेम अपने बचपन में या कभी तो कभी खेली ही होगी, या फिर अपने कजन्स के साथ या दोस्तों के साथ। ये वही गेम है जिसमें हम जिसको हम हिंदी में कहते हैं व्यापार। सो इसका ओरिजिनल जो नेम है वो है मोनोपोली। तो सच बताऊँ तो ये है तो बच्चों की गेम, बट मुझे आजकल खेलने में मज़ा आ रहा है। तो थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि होता है। इसमें अलग अलग राउंड्स आते हैं और राउंड मतलब बोर्ड्स और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपके दो पासे होते हैं, उस पर गोटी चलते हैं आप, और जो भी नंबर आता है वो आपका जो प्यादा है या जो गोटी है। मेरे पास ये पेंगुइन है, अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पे, ये राइट। सो ये आगे चलता रहेगा और कहीं ऑनलाइन हमारे कंपेटिटर्स होते हैं जो आपके फ्रेंड लिस्ट में भी होंगे। वो क्या करते हैं कि आपके जो भी बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स हैं या फिर मॉन्यूमेंट्स आपने बनाए हुए हैं उस राउंड में, वो उनको तोड़ने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी कैन स्टार्ट नाउ। तो अभी आप देख सकते हो एट द टॉप, इस वक्त मेरे पास यहाँ पे देखो टॉप पे दिख रहा है $21 million। $21 million, $21.2 million टू बी एग्जैक्ट, है ना। यहाँ देखिए इसमें इस तरह के ना, इसी गेम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे गेम्स आते रहते हैं जो कि इंटरेस्टिंग होता है। ऐसा नहीं लगता कि आप बच्चों वाले गेम खेल रहे हो, गेम गेम होता है, बच्चे बड़े आजकल सभी खेल लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, देखो की आती जा रही है और जो मैं स्टार्ट पर क्लिक करूँगा वो किसी के भी नंबर पर रैंडम मिल जाएगी। अगर फ्रेंड्स के वो ऊपर जाती है और वो स्टॉप हो जाता है तो ऊपर जो देख रहे हो एक मीटर लगा हुआ है into 2 into 3, वो बढ़ता रहेगा। अगर चाबी पे आ जाता है तो हमारे सामने जो ये बॉक्स रखा है वो खुल जाएगा। ठीक है, दो चाबी हो गई हमारे पास। लेट्स सी ये कौन है, मीनी बुढ़िया ने गिफ्ट दिया हमें। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा भाई, गेम बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो बीच में आ रहा है ना बंदा, इससे मेरी लड़ाई चल रही है आज। इसका नाम मैं भूल गया हूँ, टैलेंटेड फिश है इसका नाम। तो देखो हमारे ये जो था रैंडमली आ गया था पीछे ऊपर तीन के बारे में, 1.7 million फाइनली वी गेट सम मनी। अगर बॉटम लेफ्ट साइड पे आप देखोगे तो ये कुछ गिफ्ट्स हैं जो आपको मिल जाते हैं विद प्रोग्रेस हर राउंड के अंदर। अभी शायद मैं इसके लेवल 53 या समथिंग पे मुझे याद नहीं, सच बताऊँ आई एम सॉरी। वो भी देख लेते हैं हम भाई। इसमें ना ये बहुत आते हैं, ये कुछ कार्ड्स होते हैं जो आपको मिलते रहते हैं, जिसके बेसिस पे आपको कुछ, अगर आप पूरा एक सेट बनाते हो तो आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो ये देखो, ये मेरा वो है साम्राज्य इस वक्त। कई लोगों ने यहाँ पे तहस नहस मचाया हुआ है, उन्होंने सारी बिल्डिंगें मेरी तोड़ फोड़ दी है। तो मैं इसको पहले सबसे ज़्यादा जाके फिक्स करूँगा। सबसे पहले फिक्स का भी एक अमाउंट होता है, जैसे हम नीचे देख रहे हो फिक्स करने के लेफ्ट साइड वाला जो है उसको 1.28 मिलियन मुझे पे करना होगा। तो मेरे पास इस वक्त $25 million सबसे ऊपर टॉप पे अगर आप देखेंगे, और मैं अब उसको इन्वेस्ट करूँगा सबको फिक्स करने में पहले। सो ये देखो, ठीक है, ऑलमोस्ट $10 million में मेरे सारे फिक्स हो गए। मॉल प्रोग्रेस करता हूँ कि 15 million है, एटलीस्ट मैं कुछ तो खरीद सकता हूँ। मैं ये 14 million वाला डायनासोर खरीद, ठीक है। मैक्सिमम देखो हर एक के 5 अपडेट्स हो सकते हैं, अपग्रेडेशन सबके हो गए। बस मेरा थर्ड और फिफ्थ वाले में 2-2 अभी रहते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए होंगे और पैसे, और पैसे कमाने के लिए आपको खेलना होगा दाओ। ओ वॉइस ऑफ 500, ये तो गेम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। चलो 500 पे करते हैं। तो अभी मेरे कोई भी नंबर आएगा और जिस जगह पे भी वो बोर्ड पे रुकेगा, जो भी रिवॉर्ड होंगे मुझे into 500 मिलेगा। मेरे पास 4 मिनट हैं इस चीज़ को फुली अचीव करने के लिए। तो लेट्स गो। ओह भाई मैं कट डाउन ऑन गया, ये बंदा क्या यार, क्या फोड़ूँ, कौन सा फोड़ूँ, सेंटर वाले को फोड़ दूँ। इसको स्विच ऑपोनेंट करता हूँ, है ना। इस पर हाँ, इसने मेरे को 49 बार अटैक किया, तो बटेटे में लिखा फील्ड में बता दिया, बट फिर भी मेरे पास $196 million आ गया।
मैंने ऑटो पे लगा रखा, इसलिए वो अपने आप पास पास से चलते रहेगा और गेम आगे बढ़ती है। 21 मिलियन डॉलर, 5 मिनट एक्स्ट्रा मिल गए मुझे और ये सब बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये इसमें कार्ड्स बहुत मिलते हैं, फिर थोड़ा सा लगता है कि टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है। मैंने 500 किया हुआ ना, हर एक कोई भी रिवॉर्ड है वो 500 है। ओ रिकॉर्ड, चलो इसी पे आ रहा ना इसको। 1 2 3, ओ 344 मिलियन डॉलर्स, ये तो अभी तक की सबसे ज़्यादा बड़ी वाली वो है शट डाउन की, इसका तो स्क्रीन शॉट लेना पड़ेगा। स्क्रीन शॉट भी नहीं लिया जा रहा, कोई नहीं, इसको मैं अपने दिमाग में याद रखूँगा। देख रहा ऊपर अमाउंट 561 मिलियन डॉलर होते हैं, बैठे बैठे पास एक्स्ट्रा मिल रहे हैं हमें थोड़े पैसे भी मिल रहे हैं। ये कार्ड बहुत आते हैं जैसे पॉकीमोन कार्ड होते हैं ना, ये टाइप के। चलो बेड़ू, किसी को अगर गैम्बलिंग पसंद है तो कैसीनो वाला जो एक जोन होता है ना, तो गेम काफ़ी अच्छी लग सकती है। इन टू 500 है इसलिए यहाँ पे दबा के पैसे नहीं है। ओह ये तो सही लग रहा है, गोटी को चेंज करते हैं, कलर डाली है हमारे पास गोटी, चेंज क्यों नहीं हुई। शील्ड में इसको कितना मर्जी नुकसान पहुँचा सकते हैं। पता नहीं यार क्या हो रहा है, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब आ गया स्क्रीन शॉट से, और इस वॉल्यूम डाउन कर देते हैं क्योंकि मुझे इतनी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। वी स्टिल हैव 11 मिनट्स, 70 मिनट, मेरे पास 1.5 बिलियन डॉलर हो गए, गदर ही मचा गया। तो जल्दी चल यार, फिर से शटडाउन या वो आने वाला बैंक हाइस्ट, जंगल बार बार पता नहीं कहाँ से आ रहा है। अच्छा ये शटडाउन ही है ना, चलो फिर ने बचा लिया यार। फिर 344 मिलियन डॉलर कम नहीं होते। मैं वैसे सच बताऊँ तो 2 बिलियन डॉलर अपना टोटल जो वर्थ है वो क्रॉस कर चुका हूँ पहले भी, सो आई एम नॉट सरप्राइज। ठीक है, ये ऊपर देखोगे तो 2 बिलियन डॉलर क्रॉस हो गए। अगर इतने पैसे असलियत में मिल जाए तो मजा आया। इसको कर देते हैं यहाँ पे स्पिन। ये बहुत फास्ट फॉरवर्ड गेम है, इसमें ऐसे नहीं लगता कि सोचना है ज़्यादा या रुकना है, ये चलती रहती है, चलती रहती है। वैसे ऑटो पिक किया गया इसको, सो यू कीप ऑन गोइंग। ये करो भाई जल्दी, ये क्या है डॉगी, इसको बाद में लेंगे, पहले जो अभी मिला हुआ है सर्फर बोर्ड वाला उसी से खेल। अच्छा मेरे टोकन खत्म हो गए, वो सॉरी ये जो है पासे फेंकने की लिमिट आ गई है,
मैं क्या करता हूँ इसको 50 है ना मैक्सिमम, तो दो चाल तो चले गई। ऊपर शील आ गई है, मुझे मिला एक और स्पिन, देखते हैं इसमें क्या निकलता है। शील का मतलब ये है कि आपकी जो बिल्डिंग है वो गिरने से बचाएगी शील। अच्छा ये देखो, ये ना कोई तरीके का कार्ड था हॉकी, उसका सेट पूरा हो गया हमारा, 9 के 9 मिल गया, तो हमें ये गिफ्ट मिला है $90 मिलियन और 400। जेल 2 नंबर एक जैसे आने चाहिए, नहीं आया। 2,11,000 $3 मिलियन हो जाएंगे आपको, तो लग रहा है मुझे $3 बिलियन सॉरी। चलो मैक्सिमम पे है ना, चलते हैं रोलिंग, ठीक है फाइनल। और अब हमारे पास 0 के पास है, अब कोई भी हमारे पास पासान नहीं बच रहे लाए, नहीं बच रहे लाए का मतलब है कि हम क्या करेंगे इसको, बिल्डिंग में जाके मैं अपने पोर्शन उनको पूरा कर लेता हूँ। ये बहुत स्लो है, इस चीज में टाइम देखो, हमारी ये बोर्ड कंप्लीट हो गया, अब ये हमें हो जाएगा नेक्स्ट बोर्ड। यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है बोर्ड कंप्लीट का, ये इस बोर्ड का नाम था 10,000 BC समथिंग करके। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है हमारा, 63 लेवल 63 एलिमेंट ट्री। तो इस गेम में ना एक कैच है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैंने ज़्यादा अमाउंट अपने बैंक में छोड़ दी तो क्या होगा कि जितने ये दोस्त हैं ना मेरे बैठे हुए, ये मेरे पे अटैक करेंगे, धीरे धीरे करके ये सब कुछ ख़त्म कर देंगे। देख रहे हो कि कितने कितने पैसे ले जाते हैं, ये जैसी का ये 4.8 मिलियन ले गई, 32,000, 3.87। तो ज़्यादा पैसे छोड़ने का फ़ायदा नहीं है, मुझे बिल्ड करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ वो लॉस्ट हो जाएगा अगर मैंने गेम खेलना छोड़ दिया एक दिन के लिए दो दिन के लिए। तो इतना एडिक्टिव है नहीं ये गेम वैसे, देख लेते हैं कि मैक्सिमम कितना जाएगा, इनको ख़त्म कर देते हैं। पास खैर ये तो बार बार मिलते ही रहेंगे। तो भाई देख रहे हो ना ऊपर 2.7 बिलियन डॉलर्स, कहीं पर डॉलर या रुपीस का साइन तो दिया नहीं है उन्होंने। ये मैं एक और बस फाइनल बारी आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे हो रहा है। तो ये भी कुछ है बोर्ड का, इन्होंने आर्किटेक्चर बनाया हुआ है कि ये सब बिल्डिंग्स हमें खड़ी करनी है, तो मैं जल्दी जल्दी दिखाता हूँ आपको। ऐसे इतने कि मुझे पास फेंकने की जरूरत नहीं है ना। फायर आयल, ये क्या है फायर आयल, ये तो लावा हवा भरा हुआ इधर क्या है, ये इंडिया का सीन था, इंडिया का तो मैंने किसी गेम में नहीं देखा कि कुछ मैप, एशिया की इतनी कंट्रीज है जापान और ये सब, इनका तो सब भर के चलते हैं, लेकिन इंडिया का कभी कुछ नहीं देखा। मैंने सोचा कि वीडियो बनाना ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि हाँ कौन सी वीडियो
करती है, ये नहीं करती है। सो दैट वॉज इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं कोई अगर नई गेम खेलूंगा तो उसका भी वीडियो आपके बनाऊंगा और आपके साथ थोड़ी बातें करेंगे। थैंक्स लॉट फॉर योर टाइम। Please do like and subscribe this channel and share it with your friends. Bye bye.